Hello, Mr. Chowdhury, Regional Director था मैं पंडोरी ने जरा जट है चौधरी जरा जट्टा के गुजरात करसी टाइटल है जिदा खतरियां का लाला है सतगुरु नानक देव जी लाले सन ते सारे जिहड़े सीगे सच्चे पातशाह भी वो खतरियां दे घर पैदा हुए सी कि वह बीमार सन एक नंबर के दुश्मन खतरी सन सिक्खी दे ते खालसिया के सच्चे पातशाह के इन्हों ने बड़ा डिस्टॉर्ट किया है इन्हों ने किया कीतियां हेरा फेरिया तो करतारपुरी बीड़ जी दर्शन करो ने प्रोफेसर जोत सिंह की लिखी हुई वो पता लगे 200 सफ़े इन्होंने बीड़ चो साफ किए हुए ने अब तो खाली भीड़ है जी तुम पढ़ते हो गुरुद्वारे तो आ लो तुम मैं कर लगा श्लोक महला 16 महला 5वां अज का है खोजत खोजत खोजे खोज विचारो कहते भी ये जो नाम है ओनू मिलता है जो खोजे ओनू जिन्होंने चाह है जो नहीं खोजता है ओनू नहीं मिलता है मन च होना चाहिए इच्छा होनी चाहिए भी मैं नाम पाना है तभी तुम खोजोगे जे तुम कोई चीज़ लभनी हो दुकान उस बाजार से जाओगे तो तुम खोजते हो भी किहदे कोल होगी हो जो तो फिर लभ पैंदी फिर तुम ओनू खोज के तो फिर उस विचार करते भी ठीक भी है कि नहीं है। इस तरह है जो कोई फलाना राड़े वाला ये कहता है राधा स्वामी आ कहता राम रहीम ये कहता है ਜਿਹੜੇ मगर लगते ना लोगों को है ने कम कंजर ਜਿਹੜੇ मगर लगती है उन्होंने कमजाता है उन्होंने थोड़ी नाम मिलना नाम मिलेगा उन्होंने जिहदा मन जागिया होगा उन्हें सुनिया है सुनो सारियां को सुनो फिर उससे सुन के उससे विचार करो विचार किदा ज्ञानी वो जो आप विचारे आप विचार करो जो जो सुनते तुम किसी का नहीं कहना भी फलाने ने कहा ऐसा चलो ये ठीक है जिदा है ना टीका किया ना साहब सिंह का ये हर नू हरी कहा है हरी कह ना पता नहीं भी हर एकमकार हरी हरी ओम शांति तो हर एकमकार पलता है यानी कि हिंदुओं का होंगे हर हरी ओम शांति सिखा का होंगे हर एक ओंकार ओनू यह पता नहीं है बाकी ओनू की पता होना ना है जी हरी ओम शांति तू हर एक ओंकार बंद है आ जी गठ है ना बोधी नू दिती ते सतगुरु की दिती है यह हर एक ओंकार ये जो बंधन है टुट जाता है ते यह है इनू बाणी चाहता ना गोंता गाओ हरी दे मन जिन वसाया यह गलत है गोंता गाओ हर दे मन जिन वसाया ये जो हर ये हरमंदर है ना हरमंदर के हर होगा ना हरी का नहीं ना होएगा तो यह जड़िया है जड़िया गलतियां है ये तुम सुनो सही पढ़ो सारिया किताबा कुतुब ये नहीं जो लिखा है वो ठीक तो लिखी बाणी है तुरकी बाणी इसलिए क्या लिखी नहीं जाती है वो ये तुरकी बाणी जड़ा विचारूगा ओनू मिलेगी बाकी तो तुसी पढ़ी जाओ किताबां किताबां पढ़ पढ़ के खोते बन जाओगे तो चक्की फिरो पोथियां जिदा बम चक्की फिरते सी कुछ नहीं पता लगना। इस तरह है भगत कबीर जी ने कहा भाग महाशाल पूजा दान उसे इन्होंने भाग के बिंदी पा के भाग बनाती भंग कटिया महाशाल के पिछे बिहारी ला के मछली कर दिता पूजा दान और सुरा पान बंदा शराब कर दिता जो जो प्राणी खाए तीनों साल सत हो जाए ये सारी गड़बड़ी गई ये विचार करो तो फिर पता लगेगा तदे तुहानू तत्व बोध मिलेगा। सतगुरु अंगद देव जी ते उन्होंने जिहड़ी टीवी सी घर वाली वो लंगर तैयार करते होंगे पर लंगर नहीं खाते उत्थे लंगर अपने घर जाके खाते क्यों वो पूजा का धाम सीगा पूजा का तो उन्होंने मुंडिया भी कहा नहीं खाना। तो यह है भी पूजा का धान है भी नहीं खाएगा। बाकी सतगुरु ने कहा अमर देव जी ने वो जो मुंडे से ना उन्होंने अंगद देव जी वो पूजा धान तो उन्होंने ना भी साड़ी लै गया कुर्सी। तो उन्होंने फिर उन्होंने पूजा धान जड़ा सी ना गड्ढे च पा के घलिया सीगा लो खा लो। ते तत् सारा सारा राम नाम तत् सारा तद ओदा राम का नाम जड़ा तत् मूल है वो तद मिलता सारा सारा मैं ना मुकम्मल किलबिख काटे किलबिख है जड़े माया का है किलबिख है ना माया जड़ा राम है माया तो रहत है निरंजन उन्होंने माया का कोई नहीं रंग रंगया किलबिख काटे निमख अराधिए वो कहना थोड़ा जहा भी तुम आराधो ना अपने दिल में सोचो और तो बड़ी खुशी होंगी जी। इनू कहते गॉस्पल गॉस्पल ना गुड न्यूज़ वो तो मन में पता लगेगा कितनी उसकी कीमत है। किलबिख काटे निमख अराधिए थोड़ा जहा आराधो तुम गुरमुख पार उतारा गुरमुख केड़ा है गुरमुख होता जरा गुर दो हरफ है ना गुर के मुख जरा गुर ना सोचता है वह पार उतारता है एवं अस्पताल नहीं इतने है आदमी बेमुख इतने है सनमुख बनता है। सतगुरु अंगद देव जी ने बेमुख तो फिर सनमुख बनाया। सनमुख जोड़े थे कि चढ़त चढ़ाक से मन जाग पे है कई माया वाल नूं दौड़ गए भी माया किधर कमालीए पखंडी बन गए जिदा बाई मंजिया डाह के बह गया सी जो सतगुरु छेवें सतगुरु तेग बहादुर जी प्रगट हो गए तो यह है गुरमुख जिन्होंने माया का नहीं कटिया उन्होंने नाम की भुख हैगी वो नाम का वो खाना चाहते खाना ये है सोचिया सोचना हो जो सोची बखवार चुकिया चुकना हो चीज लहर हाँ लगता यह है चलाक चतर चलाक ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗੋਲੋ ਦੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। गुरमुख पार उतार गुरमुख जड़ा है वही पार उतरता जड़ा के ओनू समझदा है ते प्रचार करता है अपने मूहों बोलता है। वो नहीं कि उत्थे लिखिया है फलानी किताब में मैं पढ़ के सुना देना तुहानू वो नहीं नाम हुंदा जिन्हां भीड़ है ना वो पढ़ के सुना देंदे ने नाम है जी ये बदलिया नहीं जाता जी जो बदलिया नहीं जाता वो पढ़ के देखो तो किताब उहदी प्रोफेसर जोत सिंह जी करतारपुरी भीड़ के दर्शन पता लग जाएगा अखा खोल जाएगी जी है एक फनैटिक नहीं है वो गुरमुखा नहीं है। हर रस पीवे वह हर का रस अमृत वो पीवे पुरख ज्ञानी पुरख ज्ञानी वो होंगे जो आप विचारे तो जो आप विचारता उ फिर वो हर रस पीता है बाकी नहीं बाकी दे जाते गुरुद्वारे वो पाठ पढ़ते सुन के आ जाते अखिल जी पाठ कराना है पाठ करा बिठा लेंगे ने उन्होंने वो तोते वांगन पढ़ी जाता है वो पिछे सुनी जाते हैं उन्होंने तोते वांगन तो पल्ले कुछ नहीं पैंदा क्योंकि विचार नहीं करता ज्ञानी नहीं है। सुन सुन महा तृप्त मन पावे सुन सुन जो जिन्ना तुम बाणी समझते हैं सुनते है तो अकल आती है ना महातृप्त वो महातृप्त होंगे बिल्कुल तसली हो जाती मन में भावे साधु अमृत पानी साधु जड़े होंगे माया उन्होंने त्यागी होंगी ये जड़े आ जाते हैं गुरुद्वारे पगड़े पकड़ पा के कपड़े तो जी उसे हॉस्पिटल बनाना आ करना है जोड़ा साधु होंदा वह माया नूं हथ नहीं लाउंदा। निर्मल संत जिहड़े हुंदे माया नूं नहीं हथ लाउंदे, मुट्ठी च नहीं पाउंदे। जे वह पाउंदे हैगे ने वह निर्मल संत नहीं हैगे। जिहड़ा साधु हैगा वह माया नूं हथ लाउंदा हैगा, वह साधु नहीं, वह संत हैगा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਲਈ ਥੈਲੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਠਹਿਰ ਜੋ ਸਾਧੂ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਥੈਲੀ ਉੱਥੋਂ। वो कहता उसे तो है नहीं जी। तो उसे साधु जी जो प्रचार की थी वो को निकली ये है प्रसाद। कुछ जो सीखते होंगे कुछ सिक्ख्या करो, उन्होंने तो पता लगे। अपना जरा अकाल पुरख है निरंजन है, उन्होंने कोई माया का रंग नहीं लगाया। तो इस करके साधु जरा होंगे असल वो होंगे जरा माया नूं नहीं हथ लाउंदा। बाणी की व्याख्या करके लोगों को दसदा है। जिहड़ा हैगा नाम हैगा साधु की जीभ ते हैगा। साधु अमृत बाणी रहाओ, मुक्त भगत जुगत सच पाइए। मुक्त अपनी मुक्ति जिहड़ी जो तुसीं उहदी बाणी बोल के अकाल पुरख उहदे पुत्तर बन जाने। जिद्दां दा अकाल पुरख उद्दां दा पुत्तर। वह जिहड़ा पुत्तर हैगा वह जिद्दां वह मुक्त हैगा अजूनी हैगा, इधर वो भगत अजूनी बन जाते हैं। वो भगत होंगे ने उहदे मुक्त भगत जुगत। जुगत होना ढंग। ढंग की गा सी लॉजिकल रीजनिंग इनू कहते सत गुर। सत का गुर होंगे ढंग। उही होई ना जुगत जिहड़ी ढंग ही है ना लॉजिकल रीजनिंग। मुक्त भगत जुगत सच पाईए। सच तद पाई का जो जुगत नाल एवं नहीं आल पदाल बोलिया नहीं पैंदा। पाईए सर्व सुखा का दाता। इस जड़ा नाम है सर्व सुखा का दाता है। वो तो वड्डा सुख नहीं किसी नूं मिलदा। मन नूं तसल्ली हो जाती, कोई शंका नहीं रहिंदी। जुकाम होया मैनूं थोड़ा जिहा। अपने दास को भक्त दान देवे, पूरन पुरख विदाता। अपने दास जड़ा अपने अकाल पुरख जो पुत्र बन जाने, वो दास बन जाने ना सेवादार। उहदे च सेवा करी दी अकाल पुरख च। दुनियावी च हुकूमत करदे ने लोकी, वो सेवा करदे ने अपोजिट। तो जिदा प्रिथी चंद सीगा वो हुकूमत करना चाहता सी। सतगुरु अर्जन देव जी सेवा ते कहते अपने दास को भगत दान देवे। भगत दान है भी ओरी निम्रता है। जिहड़े भगत होंगे अकाल पुरख के पुत्र हैगे ना। अकाल पुरख के पुत्र हर एक नाल प्यार करते। इनू कहते ने अपने बाइबल के अगेपे लव। अगेपे लफ्ज ओहदे बंदी जो तुहानू अपने अपना करेगा ना। जो तुसीं अपने खानदान के वडेरे दे पुत्तर बन जाने ना, फिर तुहाडे च प्यार हुंदा हैगा। उहनू कहंदे एरोस, EROS, यानी कि जिस्मानी प्यार। तो जो तुहानू अकाल पुरख का पता लग जाए, जो ओहदे पुत्र बन जाने ना, तब तुम हर एक दे नाल के ओहदे हर एक की जोत हैगी ना। हर एक नाल तुसीं ओनू कहंदे डिवाइन लव जां अगेपे वो करदे। फिर जिहड़े ज्ञानी हुंदे ने वो सोच विचार करदे, उन्हां च हुंदी फिलिया लव। फिलिया तो जो आदमी अकाल पुरख ने एक में को जा ओहदे कहंदे स्टोर जी लव। ओहदे जरा देना ना लेना एक बराबर हो जाता। जो सतगुरु अर्जन देव जी सब ये सारिया चीज़ा थोनों जो ज्ञानी है वो हर एक किताब पढ़े। उस पहला सतगुरु दुनिया च जीजस आया है। दूजा नानक साहब दूजा से सारे ना वड्डा सी। शैतान किंग्स एम्परर ऑफ डार्कनेस खतरी थथरी जड़ी एक नंबर दे दुश्मन नानक ते सतगुरु सच्चे पातशाह दे नानक सतगुरु सीगे गुरु नहीं सी गुरु हुंदा माता पिता दे पंडित ते चौथी जड़ी बोधी नूं कट दिंदी ओ सतगुरु दी दित्ती वी मन नूं ओ सतगुरु से ए सतगुरु जड़े ने मन नूं सिक्खा दिंदे स्थान नूं नहीं दिंदे भाई गुरदास दियां वारा नहीं करिया इहदे जो तन रिलेटेड सी आ ते इस करके जिहड़ा हैगा भगतों दा हुंदा अकाल पुरख दा अपने दास को भगत दान देवे उहनूं भगत दान दिंदा भी उहनूं सेवा करदा लोकां दी प्यार करदा उहदा देवे पूरन पुरख बजाता ओह हैगा अकाल पुरख पूरन हैगा उहने रूह कढिया सारे च उहनां ने इक किसे च नहीं वितकरा कीता हर एक कुत्ते कुत्ते बंदर च भी वही रूह हैगी जिहड़ी आदमी च हैगी सर्वनी सुनिए सर्वनी आ जिहड़ा कन्न हैगा ना ये हैगा मूँह हैगा रूहानी खुराक लई और दुनियावी खुराक इस मूँह ना खाई दी तो फिर दूए दिन टट्टी च आ जाती तो उहनूं हत्थ लाउण नूं जी नहीं करदा जिहड़ी रूहानी हैगी खुराक उहदे मूँह आ हैगा जीसस कहता ना जो 5000 आदमी रोटी छकाई वो यावे ने बना के दिती थी ब्रह्मा ने बना के दिती सी ते खाधी बड़ी स्वाद सी लोग बड़े पसंद हुए फिर वो कहता उन्होंने अनलेस यू ईट द फ्लैश ऑफ जीसस एंड ड्रिंक द ब्लड ऑफ क्राइस्ट यू हैव नो पार्ट इन मी ईटिंग द फ्लैश ऑफ जीसस मतलब जी ओहदे मूँह चो पानी निकली ना मुख चो ओनू ऐस कन्ना ना सुनो सुन के अपने हिरदे च लैके जाओ उहदे विचार करो लॉजिकल रीजनिंग करो उहदे फिर तुहाडा ओहदा लॉजिकल रीजनिंग दा तत्त मूल हुंदा लोगो ओह हैगा नाम फिर ओह जो लोगो तुहाडे हिरदे च बह जाए ना फिर लोकां नूं दसो प्रचार करो ना इह हैगा गॉस्पल ओह हैगा ड्रिंकिंग द ब्लड ऑफ क्राइस्ट जदों बारी हैगी तुसीं सच सच बोलदे भंबड़ लगदे ने जो सत्त बोलोगे लोग बड़ा कौड़ा हुंदा हैगा हुण 1984 च सिख हुंदा नादी रूप आहो मैं बोल रहा ना ये सिख बोल रहा ना नादी रूप बिंदी रूप आ जिहड़ा मेरा हैगा जिस्म हैगा ये जट हैगा ना निचर जट ये हैगा बिंदी रूप ये जम्मिया ये मरूगा ना सिख थोड़ा मरना हैगा सिख दा हैगा नादी रूप वे ऑफ लाइफ हैगा इस करके 1984 च और 1947 एक भी नहीं सिख मरिया जेडे कहते सी ना सिख कौम वगैरह बनाई सी ना वो मरे सीगे जिन्हों ने अपना प्यो छड्ड दिता 1947 च मेरे फादर होरी कहते सी लोकां नूं अपना प्यो ना छड्डो अपनी कौम रखो प्यार रहेगा एक दूजे नाल वो बन गया वो अपने आप सिख कौम कराने लगता है जो सिख कौम बनाई अपनी जट कौम को जवाब दे के शंकर बनी हरामी बन गया तो फिर शंकर बनी वाले काम किए एक दूसरे वड्डा कुटी एक अपनी जात दे जट्टा ने जट्टा नूं वड्डिया कुटिया ते अपनी जात दे लोकां ने मारे ते उन्हां दी बेइज्जती कीती ते इस तरह हुण 1984 च भी हरियाणे च एक जाट किता मैनूं वैसे बड़े शर्मिंदे कि असीं अपने जट्टां नूं ही उन्होंने की बेइज्जती की कुड़ियां की बेइज्जती की लुटिया मारे उन्होंने अग लाई घर आ गया मैं क्या तुहानूं काहदे शर्म हैगी इहदे च हैगा बाणी जो दद्दा दोष ना दीजिए दोष करमी अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिए अवर जना ये उन्हों का कसूर है जिहड़े किन्हां ने सिक्ख्या नहीं है अपने आप नूं सिख कहंदे ने सिक्ख्या अपनी मां का सिर नहीं है उसे अपनी सिख कौम कह के अपनी जट कौम भुल गया जट कौम भुल गया तो फिर शंकर बनिए मर गया हरामी उन्होंने फिर सोध रहे सीगा ते इस करके उन्होंने अपनी सीगी गलती ते इह पिंडरा दा ना सिख सीगा ना खालसा सी सिख हुंदा जे कोई मारे तो भगत हुंदे ने वो दूजी गल करदा जिद्दां भाई कन्हैया जी सीगे वो सिख सन खालसे दा ते सिख दा कसूरा नहीं लड़दा खालसे ने मारना सिख ने सेवा कर दी ये चार पंथ है ना एक दूजे का कसूरा नहीं रलता हिंदू का काम है जो कोई मारे ओहदे इट का बट्टा मारना सिख का है दूजी गल करनी खालसे का है मारना जिदा आ हिंदू मारते हैं ये शिव सेना है ना ते दे सेवा वर मोहे ये फिर कराते ना शिव सेना अपने तो कम लेंगे ते आ जरा चौथा पद निर्मल संता का इन्होंने ओही करना जो सिखा ने निम्रता है जो है अकाल तख्त कंपलैक्स है सिख भगतन का है हरमंदर साहब ते अकाल तख्त है निर्मल संतन का जो इस निर्मल संत आए थे अपने तख्त से बैठने इन्होंने खतरियों ने चक के बाहर मारे उन्होंने बाहर डेरा ला लिया। याद रखो कि सतगुरु तेग बहादुर जी छेवें सतगुरु थे वो 4 सच्चे पातशाह ते 6 सतगुरु हुए ने जो 6वें सतगुरु अपने घर आए थे हरमंदर साहब खतरियों ने मूँह से दरवाजा मारिया सी ते अज जो खतरी है एक नंबर के शैतान है तो एक नंबर दिया मैनू गालां कढ़दे ते जीजस कहंदा इन्हां नूं जिहड़ा उसी जुडा ट्राइब दे सी पहलां उन्हां ने मारे प्रॉफिट फिर उन्हां दी मड़ियां बना के मंदिर बना के ते पैसे उगराए लोकां दे इदां ही इह कर रहे ने खतरी पहलां मारे हुण उन्हां दी मड़ियां बना के उन्हां दे बना के ना गुरुद्वारे ते पैसे उगराउंदे ने चतर चलाक है इन्होंने पता भी कि बोलना है चतर चलाक जो होंगे वो चतराई च नहीं पाई का होंगे चतराई च लोगों को लुटी का है आज चतर चला के लुटते हैं माया माया लेंगे जो पृथ्वी चंद जो चतर चतर का एक वड्डी मिसाल सी सर्वनी सर्वनी सुनिए जड़ी खुराक है रूहानी ऐस मूँह ना खानी है रसना गाइए जो गाओगे रसना ना देन यू आर ड्रिंकिंग द ब्लड ऑफ नानक। हृदय दयाइए सुई हृदय वही होएगा जो थोड़ी लॉजिक रीजनिंग करोगे ना अंदर कदे आओगे ना ओनू हृदय चाहिए है कोई सुई होर नहीं किसी माया नहीं नहीं काम करना भी मैं हूँ उत्ते लंबी लंबी अरदासा करा जिहा करा जिहड़ा अरदास करदा हैगा ग्रंथी एक नंबर दा मनमुख हुंदा हैगा आप तां खड़ा माया दे दर मुरे वो जिहड़े बेवकूफ हैगे ने अन्ने उन्हां नूं कहंदा मैं तुहाडी अरदास कर दिंदा अकाल पुरख मुरे वो कराउंदे ने पैसे दिंदे ने उहनूं रब लाई जोड़ी एक अन्ना कितू कुड़ी कुड़ी दा करदा पाठ मनमुख ग्रंथी ते अन्ने सुंदर है उहदे इस करके जो सिख होंदा बिरला ही होंदा कोई इतने मैं रेडिंग रहना है तो उसे जाईदा गुरुद्वारे उन्होंने सुनाई दियां इदां दियां गल्लां पर उन्होंने कन्नां च कुछ नहीं पैंदा कि वो हैगे ने बाकी दे नाल हैगे ने सारे सिख होंदा न्यारा न्यारा होना पैंदा तदे तुसीं सिख सिखोगे न्यारे नूं ते हैगा अंदर जाना। कर्ण कारण समर्थ स्वामी कर्ण कारण ओही समर्थ आ ओही ओहदे तो बिना होर कोई नहीं ओहदे चढ़दा है सिक्का स्वामी जाते बिरसा ना कोई ओहदे बगैर कोई होर है नहीं गा इक्को ही हैगा वो वड्डे भाग रतन जन्म पाया आ जिहड़ा जन्म पाया वड्डे भागां दा पाया गा दुलभ हैगा ये रतन हैगा जन्म पाया करो किरपा कृपाला को ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਗ੍ਰੇਸ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਓਲਡ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਓਲਡ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ते इस करके पढ़ोगे जो पहले सतगुरु की बाणी पढ़ोगे जे वो छोटे की समझ आ गई ये वड्डे की आ जाएगी समझ तुहाडे फटाफट। तो इस करके मैं बाणी करदा क्रिश्चियनिटी का प्रचार मैं क्रिश्चियन नहीं हैगा क्रिश्चियन होंदे पीपल ऑफ द बुक किताब विच पढ़िया तो सुना दिता उन्हां नूं पुछीदा सवाल ना जदों कोई जवाब आउंदा नहीं कुछ भी उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना उन्होंने उत्थे हैगा ना पैराबोल हैगा जॉन फोर और समैरिटन वुमन दे पांच आदमी से ते वो सीगे काम क्रोध लोभ मकार ओने बस कीते सारे ते ओनु कहंदे भी तू वो एक कंजरी सीगी एक आदमी छड़ के दूजा कर लेंदी सी प्रोफेसर कहंदे ने वो मैं कहंदा पता ओदा नाम सेंट पोटीना सीगा एक ओदे रशियन आदमी जेड़ा ऑर्थोडॉक्स सी ना चर्च ओना ने ओदी कहानी लिखी भी ओनु किदा मारिया सीगा ते सारे ओदे श्रद्धालु सीगे ते ओदा नाम सी सेंट पोटीना वो सेठ सीगी ए ओनु कहंदे खंजरी ये जितन दे नानक आया दोबारा कि इन्होंने अंधेरा पाता सीगा वड्डे पाक रट जम पाया करो कृपा कृपाला कृपा करो साध संग नानक गुण गावे साध हुंदे ने जिन्हां नूं माया दा रंग नहीं लगाया ए नहीं साध हुंदे जिहड़े आ पैसे रखो तो चक के बोझ पा लेंगे ने एक साध है ने मिठिया मिठिया बोल के बथेरे अपने पा के भगे भुगवे तारी कोई काली कंबली वाला कोई नीली कंबली वाला पा के लोगों को लुट के लाभे होंगे ने इन्हों ने एक वो काली कंबली वाला जो सवाल किया कुछ ना हो दौड़ गया साध संग नानक गुण गावे ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੋਪਾਲਾ ਗੋਪਾਲਾ ਹੈਗਾ ਗੋ ਹੁੰਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ जेड़ा ब्रह्मा का पुत्र बनता है ब्रह्म का बेटे शब्द पछाड़ा जेड़ा ब्रह्म का बेटा बनता ओनू ब्रह्म आ खान नूं भी दिंदा है भुखा नहीं मारदा ओनू खूब दिंदा खान नूं इसलिए जेड़े चोजन पीपल इन्हां दी स्टोरी पढ़ो जदों दा हुंदे सी ओह यावे दे वफादार ओह इन्हां दा जेड़ा सी एडम इब्राहिम जेड़ा सी ओह एडम सीगा ते ओहदी जेड़ी वाइफ सी सैरा ओह ईव प्रॉमिस रहेगी गार्डन ऑफ ईडन ते ए रहंदे सीगे गार्डन ऑफ ईडन विच जड़ी दुध दे घिओ दियां ते हनी दियां नदियां बगदे जेड़े कोई कमी नहीं सी एक नंबर दे पजाऊ जमीन सी ते जदों बन गए ओहदे अनफेटफुल ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਮੋਜ਼ੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਆਫ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰਵਾਦੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਜੀਵ ਬਾਹਰਲੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਰਾਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਜਲਾਉ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਾਈ ਹੋਣੀ 2023 ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ इन्हों के 70 साल हो जाने अगले 2018 इन्हों के हो जाने मई 14 मई को फिर तुम देखा जी कि लोगों ने मार दे इन्होंने नठना है उधर इजराइल में जो चंगी तरह कट्ठे हो गए ना उदो टॉपिक मार लगेगी 5 साल बाद यानी 2023 अगे अकाल पुरख नूं पता है नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला गोपाला है जरा जिन्हें तुहानू लोह दिती जिन्हें तुहानू लोह दिती समझ दिती ओनू सिमर सिमरना है होर किसी नूं नहीं सिमरना अज दा राधा स्वामी वगैरा है ते इह कंजर हैगे ने इहदे मगर जिहड़ियां लगे ना लोग जो कहिंदे ओह करदे ने ओह खंबियास्ता हैगे ने जिहड़ा ओनू सिमरदा ओह न्यारा हुंदा है वो किसी के मगर नहीं लग्या कि उन्हें विचार के ये नाम पाया है खुद पाया, इस करके नाम जड़ा ओनू मिलता जड़ा ज्ञानी होवे, बाकी नहीं मिलता। अगे थोड़ी मर्जी।